रोहित शर्मा ने पूरी इंडिया टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी की तारीफ। कौन है वो खिलाड़ी बताएंगे आपको उस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं उसकी बल्लेबाजी से खुश हूँ। रोहित ने किस बल्लेबाज के लिए बांधे तारीफों के पुल और कही इतनी बड़ी बात। कुलदीप यादव ने इस सीरीज में घातक गेंदबाजी की। उन्होंने विरोधी टीम के खिलाफ 4 मुकाबले खेले और 19 विकेट हासिल किए। इस दौरान स्पिनर ने 5 विकेट होल भी हासिल किया। कई मौकों पर उन्हें बल्लेबाजी करते भी देखा गया। इंग्लैंड के खिलाफ 29 वर्षीय खिलाड़ी ने कुल 97 रन बनाए। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-1 से अपने नाम कर ली। विराट कोहली, केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाजों के बगैर उत्तरी भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए आए कुलदीप यादव ने भी अपने प्रदर्शन में सभी को प्रभावित किया। इस पर रोहित शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। कुलदीप यादव ने इस सीरीज में घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है और अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव की बल्लेबाजी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उसकी बल्लेबाजी के बारे में काफ़ी आलोचनात्मक कर रहा हूं। हमने उसे अच्छे बल्लेबाजी के लिए प्रेरित किया है क्योंकि जब आप 8 या 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं तो स्कोर निश्चित रूप से बढ़ता है। हम जानते हैं कि जब आप आखिरी छोर पर रन जोड़ते हैं तो यह कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं उसकी बल्लेबाजी से बहुत खुश हूँ। कानपुर के इस गेंदबाज ने भारत के लिए 12 टेस्ट मैचों में अब तक 53 विकेट झटकाए हैं। वहीं 103 वनडे और 35 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने क्रम से 168 और 59 विकेट लिए हैं। हिटमैन ने कुलदीप की गेंदबाजी को लेकर भी बात की। उन्होंने चाइनामैन गेंदबाज की जमकर तारीफ की। रोहित ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि जब कुलदीप गेंदबाजी करता है तो उसमें कुछ ना कुछ खास बात होती है। पिछले कुछ वर्षों में वह घायल होने के बाद काफ़ी लंबे समय से सफ़र तय कर रहा था और जिस तरह से उसने सफ़ेद गेंद वाली क्रिकेट में वापसी की है वह आपको लाल गेंद में भी देखने को मिलेगी। वह समझ चुका है कि उसे क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप कुलदीप यादव की बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कितने प्रभावित हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ। और युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव में कौन सा खिलाड़ी बेस्ट है उसका नाम हमें कमेंट में जरूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।